रहीम, हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ईयर एफएससी का मैथ। हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम डेरिवेशन पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। तो उससे पहले हमारे पास इंटरसेप्ट्स हैं। देखें, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ऊपर यहाँ पर जो टू डायमेंशन में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। देखें, हमने पहले भी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 जो लीनियर प्रोग्रामिंग का था, मैंने बोला था आपको कि अगर किसी इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन में दो वेरिएबल हैं तो वो दो जगह पे इंटरसेप्ट करेगी। देखें, ये हमारे पास लाइन है, लाइन L है, उसने एक जगह इसको Y पे इंटरसेप्ट किया, दूसरी जगह इसको X पे इंटरसेप्ट किया। ये इसका क्या कहलाएगा, X इंटरसेप्ट, और ये इसका कहलाएगा Y इंटरसेप्ट। अगर आप देखें, ये हमारे पास ओरिजिन है, अगर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो पॉइंट A है, तो देखें आपको पता है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर ये हमारे पास A है तो इसका पॉइंट क्या होगा, A व 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। अगर हम ये यहाँ से ये डिस्टेंस या पॉइंट जो कोऑर्डिनेट B है, तो y एक्स पे x की वैल्यू 0 व बी। तो देखें, हमारे पास जो नंबर 1 है, इफ़ जो पॉइंट, अगर मैं इसको हम a बोल दें, a इंटरसेप्ट, और इसको हम बोलें b इंटरसेप्ट, तो हमारे पास जो पॉइंट a व 0 है इज़ कॉल्ड x इंटरसेप्ट, क्योंकि x एक्स पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ y की वैल्यू 0 होगी, वो हमारा x इंटरसेप्ट कहलाएगा। सेकेंड हमारे पास है इफ़ जो हमारे पास बी पॉइंट है, 0 व बी इज़ कॉल्ड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L। इसका मतलब हमारे पास एक x इंटरसेप्ट होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, y इंटरसेप्ट। तो हम सबसे जो हमारे पास इम्पोर्टेंट प्रूफ है, जो हमारे पास डेरिवेशन है ऑफ स्ट्रेट लाइंस, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो थ्योरम है या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखें, यहाँ पे लफज आएगा स्लोप का लफज आएगा तो उस फार्मूले में m होगा। यहाँ इंटरसेप्ट का लफज यूज़ करेंगे, इंटरसेप्ट, वहाँ हमारे पास क्या होगा, c। यहाँ जो हमारे पास c है, ये y इंटरसेप्ट। तो आपको पता है कि y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो देखें, इसी मुनासबत से हमारे पास जो फार्मूला है या जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखें, स्ट्रेट लाइन की क्या पहचान होती है, स्ट्रेट लाइन की वहाँ जो वेरिएबल है x और y है, उनकी जो पावर है वो क्या होती है, 1। तो यहाँ हमारे पास जो m है, ये स्लोप है, जो हमारे पास c है वो y इंटरसेप्ट है। इस मुनासबत से इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब आप देखें, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन l है, ये जो x के साथ जो एंगल है वो क्या है, अल्फ़ा है। हमारे पास ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट हमें क्या दिया गया है, c। तो आपको पता है कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, 0 व c। ये हमारे पास आर्बिट्रेरी पॉइंट है p x व y। देखें, ये जो लाइन है, ये बेशुमार पॉइंट्स का मजमू होती है। ये जो पॉइंट P है, ये इस लाइन पे जो सारे पॉइंट्स लाई करते हैं उसको शो करती है। तो देखें, ये हमारे पास जो Y इंटरसेप्ट है वो क्या है, C। तो Y एक्सिस पे X की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पॉइंट क्या हो गया, जिसको आप बेशक नाम A दे दें, ये पॉइंट क्या है, 0 व C। P आपके पास पॉइंट क्या है, एक्स व वाई। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो लिखें, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट
ऑन द लाइन लाइन एल विद स्लोप एम एंड वाई इंटरसेप्ट जिसको मैंने नाम ए दिया हुआ है जीरो व सी। देखें ये जो हमारे पास लाइन है इस पे पॉइंट क्या है, पी है एक्स व वाई, और इंटरसेप्ट इसका जो ए है जीरो व सी है, जो इसका इंक्लिनेशन है वो एंगल क्या है अल्फ़ा। अगर आप देखें तो ये लाइन है इसमें दो पॉइंट लाई करते हैं कि पी और ए। अगर आपने इसकी स्लोप निकालनी हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, टू पॉइंट फा वाला, इसमें टू पॉइंट्स होंगे। वो क्या फार्मूला था, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। मैंने आपको बोला था कि ये फार्मूला आप उसी वक्त यूज़ करेंगे स्लोप का जब आपके पास दो पॉइंट्स होंगे। तो देखिए एक पॉइंट आपके पास ये है, दूसरा पॉइंट आपके पास ये है, तो निकालें इसकी स्लोप वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, वाई में से वाई निकालें वाई माइनस सी ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन ज़ीरो। तो एम इज इक्वल टू वाई माइनस सी ओवर एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करें एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, सी को जो पॉजिटिव कर दें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारे पास जो फार्मूला है इसको हम बोलते हैं विच इज स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फार्मूला हम उसी वक्त यूज़ करेंगे जब आपके, ये फार्मूला सिर्फ उसी वक्त यूज़ होगा जब आपके पास स्लोप गिवन होगी और आपके पास वाई इंटरसेप्ट होगा, यानी आपके पास स्लोप स्लोप गिवन हो और आपके पास वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, तो ये फार्मूला आप उसी वक्त लगाएंगे। जो आपके पास एक्स व वाई होता है ये आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है। आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें दरकार हैं, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। अक्सर साइज हम डिस्कस कर रहे हैं 4.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वाई इंटरसेप्ट हमें गिवन है -7 और हमें स्लोप गिवन है -5। मैंने आपको प्रीवियस थ्योरम में कहा था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सिर्फ उसी वक्त हम यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास एक स्लोप गिवन हो और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो। इसका नाम था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एम यहाँ स्लोप है, सी यहाँ क्या है वाई इंटरसेप्ट। तो मैंने आपको बोला था कि यह फार्मूला उसी वक्त यूज़ करेंगे जब आपके पास स्लोप हो और दूसरा आपके पास क्या गिवन हो, वाई इंटरसेप्ट। तो देखें आपके पास स्लोप कितनी है, फाइव -5, तो एम आपके पास क्या आ गया -5, क्योंकि स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से। वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या है -7, और इंटरसेप्ट को हम डिनोट करते हैं सी से। तो पुट करें वाई इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है -5 एक्स, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -7, वाई इज इक्वल टू -5x -7, इसको तो पॉजिटिव कर दें 5x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, विच इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पार्ट हम डिस्कस करें इसका सी। क्या पार्ट सी है, द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। देखें बाइसेक्टिंग का मतलब है बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, दो बराबर हिस्सों में कट करना, बाइसेक्टिंग। कौन कौन से क्वाड्रेंट को वो बाइसेक्ट कर रही है, फर्स्ट और थर्ड को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड, उसको बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर हिस्सों में। देखें अगर आप बात को क्लियर करना चाहें, ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बाइसेक्ट करी फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड को, बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। देखें आपको क्लियर है
कि जो हमारे पास ये टोटल एंगल है कितना है 90 डिग्री फर्स्ट और इसका मतलब 45 डिग्री ये एंगल हमारे पास है और 45 ही हमारे पास ये है। इसका मतलब हमारे पास जो ये पॉजिटिव एंगल के साथ पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड पॉजिटिव एक्सिस लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्सिस एंगल हमारे पास क्या है 45 डिग्री हमारे पास इंक्लिनेशन क्या आ गया 45 डिग्री। अब देखें ये लाइन कहाँ से पास करती है ओरिजिन पे ओरिजिन में पॉइंट क्या है ज़ीरो व ज़ीरो ओरिजिन पे आपके पास एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट है वो ज़ीरो और ज़ीरो है और जो लाइन एंगल बना रही है वो क्या है 45 डिग्री। आपको याद है कि आपने पढ़ा था स्लोप क्या होती है एम इजिकल टू टेंजेंट अल्फ़ा तो एम इजिकल टू टेंजेंट अल्फ़ा देखें अल्फ़ा हमारे पास कितना है 45 डिग्री एम इजिकल टू आपको पता है कि टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1 और हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है 0 व 0 इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है एक्स 1 की वैल्यू 0 और वाई 1 की वैल्यू 0। हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म वो हमारे पास क्या है y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन देखें यहाँ m स्लोप है और जो एक्स वन वाई वन है वो हमारे पास क्या है पॉइंट है तो देखें पुट करें यहाँ y माइनस वाई वन की वैल्यू ज़ीरो स्लोप हमारे पास क्या है 1 एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू ज़ीरो तो ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स ये ऐसी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को क्या करती है बाईसेक्ट